असलम जी क्या हाल चाल हैं सब ठीक ठाक हो आज हम क्या सीखने वाले हैं जी आज हम सीखने वाले हैं मोस्टली अक्सर जो फ्रीलांसर्स के माइंड में सवाल आते हैं सेलर्स पॉइंट ऑफ व्यू से कि आप जब भी अपने कोई काम तो को service, कर रहे होते हो जब भी आपको सर्विस अपनी सेल कर रहे होते हो फॉर एग्जाम्पल किसी भी टाइप की स्किल हो सकती है वो चाहे वो ग्राफिक डिजाइनिंग की स्किल हो चाहे वो वेब डेवलपमेंट की स्किल हो चाहे वो किसी भी हमारे से अमेजोन वर्चुअल असिस्टेंट की स्किल हो चाहे वो वर्ड like, प्रेस करना चाहते हो तो सेलर seller, अक्सर के माइंड में एक सवाल आते हैं हर सेलर के माइंड में आता है उसके, और वो बहुत भी होते हैं। अब उनके जवाब क्या है जी सबसे पहला जो सवाल है वो ये है कि वट कैन आई सेल की आप कौन सी सर्विसेज को सेल कर सकते हो कौन सी स्किल को चूज करना चाहिए तो पहला सवाल है जी वट कैन आई सेल उसमें मैं आपको यही बताऊंगी आप अपने माइंड में ये रखो एक बात की जो भी आपने सर्विसेज को सेल करना है वो उसके उसके उस सर्विसेज के अंदर आपका इंटरेस्ट बहुत जरूरी है अच्छा जिसका आंसर देख लेते हैं सबसे पहला क्वेश्चन है जी व्हाट कैन आई सेल तो यहाँ जी आपको क्या करना है उसका आंसर आप खुद देख सकते हो जी बी क्रिएटिव मोर देन टू हंड्रेड कटेगरीज है जिसके अंदर आप अपनी सर्विसेज को सेल कर सकते हो जो भी आपका इंटरेस्ट है वो आप चूज करो और अपनी पसंद की जो कैटेगरीज है उसमें से जाके आप अपनी सर्विसेज को सेल करो अगर आपने कैटेगरीज देखना हो तो आपको क्या करना होगा आपको सिंपल जाना होगा फाइवर के ऊपर फाइवर में जाने के बाद देखो ये फॉर एक्जाम्पल ग्राफिक डिजाइनिंग की स्किल है राइटिंग एंड ट्रांसलेशन की स्किल है फॉर एक्जाम्पल अगर आपने राइटिंग एंड ट्रांसलेशन की स्किल्स में से कोई कटेगरीज चेक करनी है तो ये सारी की सारी ऑप्शन आ रही है फॉर एग्जाम्पल कहता है जी बिजनेस कॉपी में किस किस्म की आप राइटिंग कर सकते हैं उन्होंने बताया जी बिजनेस कॉपी में आप केस स्टडीज की राइटिंग कर सकते हो प्लान लिख सकते हो अगर आप चाहते हो जी आपको sales के, से writing के चेक कर सकते हो तो पहला क्वेश्चन क्या हो गया जी थोड़ा माइंड आपने वो रखना है थोड़ा सा, creative रखना है, थोड़ा सा इस चीज का ख्याल रखना है कि आप जो भी स्किल चूज इंटरेस्ट हो बिकॉज अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है यू विल गेट बोर्ड अच्छा जी अगला है सवाल हाउ मच टाइम आई नीड टू इन्वेस्ट अब मुझे आपको, मुझे आप कहते हो तो जी मैंने नया नया काम शुरू किया है तो मुझे कितना जो टाइम है वो इन्वेस्ट करना पड़ेगा आपके माइंड में सवाल आता है कि हाउ मच टाइम आई विल इन्वेस्ट इन स्टार्ट और वो टाइम मेरा कहाँ स्पेंड होगा मैं क्या करूंगा ऐसा तो नहीं है कि बस लैपटॉप लेके बैठ रहे टिक 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 करते रहो देखते रहो उधर उधर आप टाइम स्पेंड करे हो ऐसा नहीं होगा आपको जो स्टार्टिंग में टाइम देना होगा वो आपको देना होगा जी कहाँ पे आपको देना होगा मार्केट प्लेस को अंडरस्टैंड करने के लिए कि अगर आप फाइबर पे काम करे हो तो वहां पे फाइबर पे लोग कैसे काम करते हैं अगर आप अपर्ड पे काम कर रहे हो तो अपर्ड के लोग किस तरीके से काम करते हैं, तो इस तरह से आपको टाइम देना होगा अच्छा जी, for example, मैं आपको जाके ओपन करके दिखा भी देती हूँ कि कहां, कहां लग रहा होगा लेट्स अच्छा जी उसमें flexible, कहते हैं जी, totally है क्योंकि फ्रीलांसिंग आप अपने अकॉर्डिंगली टाइम चूज कर सकते हैं एफर्ट आपको देना पड़ेगा मार्केट प्लेस को अंडरस्टैंड करने के लिए और उसके बाद आपको ऐसा ऐसा चूज करें उसके अकॉर्डिंग चले जाते हैं आपको लॉगिंग नहीं किया है चूज की वो है जी रिगार्डिंग द बिजनेस बिजनेस में आप वर्चुअल असिटेंट आप, आप काम करे हो और अब आप चाहते हो कि आप देखो कि आप लोग इस तरह से वर्चुअल असिस्टेंट के हमारे से क्या काम करें हैं आपको क्या करना होगा आपको मल्टीपल लोग प्रोफाइल चेक करनी होगी जाके ओपन करके फॉर एग्जाम्पल मैं देखना चाहती हूँ कि ये बंदा क्या काम कर रहा है इसकी प्रोफाइल पे जाएं प्रोफाइल पे जाने के बाद क्लिक कर ओपन तो हो जाएगी क्या -क्या तो रिव्यूज पढ़ो कस्टमर के रिव्यूज कैसे वो क्या बात करते हैं इस तरह से आप उसकी गिग ओपन करो और देखो जी गिग को ओपन करने के बाद जी ये क्या काम रहा है फला फ्ला तो इस तरह से आप मजीद चीजें भी देख सकते हो ऑफर्स उसकी जाके सर्च कर सकते हो तो स्टार्टिंग में आपको टाइम इतना ही देना होगा इधर ही देना होगा आपको जाके देखना होगा उनकी प्राइसेस को और जाके अपने आप का कंपेरिजन करना होगा कि आप किस तरह से काम कर सकते हैं तो मार्केट प्लेस को अंडरस्टैंड करना इज द टाइम यू नीड टू इन्वेस्ट अगला सवाल है जी हाउ मच मनी कैन मे जी जितने मर्जी पैसे कमाओ इट्स टोटली अप टू यू कि आप जितने पैसे कमाना चाहते हैं ये आपके खुद के हाथ में है मैं हूँ जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी समाइम क्या होता है मेरे पास कुछ कस्टमर्स आ जाते हैं जिसको मैं काम के लेके नो बोल देती हूँ उसकी रीजन क्या होती है उसकी रीजन ये होती है कि मेरे पास टाइम नहीं होता मैं और दूसरी चीजों में एंगेज होती हूँ तो यही फिलानसिंग का फायदा है अब आपके पास कस्टमर आते जाएंगे आप हाँ करते जाओ हाँ करते जाओ लेकिन कस्टमर कब तक नहीं आएंगे जब तक आप अपना अपना एफर्ट पुट नहीं करोगे यू रियली नीड टू पुट योर एफर्ट अब जी आंसर पढ़ लेते हैं जी कहता जी आपके ऊपर है यू है जी यू कैन वर्क अच्छा जी इसमें आपको कहते हैं आप नो से पांच वाला भी कर सकते हो आप पढ़ सकते हो जी आप स्क्रीन पे देख सकते हो क्या लिखा हुआ है या चाहो तो आप इसको पार्ट टाइम भी लेके चल सकते हो तो मेरी मैं मेरा ये कहना है टोटली लाइक अकॉर्डिंग टू यू कि आप इसको पार्ट टाइम लेके चलना चाहते हो या फिर आप उसको एज अ फुल टाइम लेके चलना चाहते हो कुछ लोग चार छह छह सात सात घंटे काम करते हैं लेकिन काम मिस काम करें क्या काम आएगा कहाँ से पहला सवाल तो ये पैदा होता है आएगा कहाँ से काम देखो थोड़ा लगा एफर्ट करते रहो इंशाला काम आएगा बहुत सारी वीडियोस डाली है फाइबर से, पे, पे सेल कैसे करना है अपने उसको आप जाके देख लो आई विल एड द लिंक अच्छा जी अगला सवाल है जी हाउ मच लाइक अभी बड़ा मेजर सवाल है कि अभी आप बिल्कुल स्टार्टिंग में हो चुके हैं तो आप कितनी पैसे लेके काम को शुरू करोगे एक चीज जो मैं आपको बता दूं उन्होंने कहा है कि

मैं सजेस्ट ये करूंगी कि पैकेजेस को चूज करें क्योंकि पैकेजेस इसलिए चूज करें क्योंकि फाइवर खुद कहता है कि हमारे पैकेजेस वाली फॉर्म ज्यादा वर्केबल है ऑप्शंस कस्टमर को दें आप पढ़ सकते हो उसको अच्छा जी लास्ट में जो बिल्कुल सवाल है कि पैसे भाई कैसे मिलेंगे कमा तो लेंगे सब कुछ कर लेंगे बट हाउ आई विल गेट पेड कैसे पैसे मिलेंगे जी उसके लिए आपको क्या करना होगा देखें Fiverr या कोई भी प्लेटफॉर्म आपको पैसे एडवांस में नहीं देता ठीक तो है पैसे कैसे देते? अगर नहीं बता मैं हूँ अच्छा मैं क्या बेचने वाली सेलर हूँ आप है बायर खरीदने वाले और बीच में है मिडिल मैन क्या फाइवर फाइवर पैसे सबमिट करता है पहले सॉरी बायर पहले पैसे सबमिट करता है किसको फाइबर को पहले उसने देती है Fiverr, को Fiverr दे दिया फाइवर को फाइवर हमें ऑर्डर दे देता है जैसे हम ऑर्डर कंप्लीट करके कस्टमर को देते हैं कस्टमर कहता है ओके okay जी ऑर्डर मिल गया है तो वो उसको वापस से हमें पैसे दे देता है कस्टमर 20 परसेंट जो फीस है वो फाइवर अपनी रखता है जारी से बात है कोई भी प्लेटफॉर्म अपवर भी 20 परसेंट पैसे अपने रखता है और हमें 80 परसेंट लेट से आपने 100 डॉलर अर्न किए हैं पैसे कमाए हैं हंड्रेड डॉलर तो उसमें से आपके कितने हैं जी आपके 80 हैं अगर आपने 10 कमाए उसमें आप कितने 8 हैं तो दिस इज हाउ इट वर्क आप देख सकते हो जी कहता है जी वंस यू कम्प्लीट द ऑर्डर कंप्लीट कर लोगे तो एट्टी परसेंट आपको होगा और जो बाकी है एट्टी परसेंट में से ट्वेंटी uh, परसेंट वो फाइबर या पर अपना रखेगा तो इस तरह से ये काम चलता है जी कोई और मजीद सवाल है आपके जहन के अंदर आपके माइंड के अंदर फ्रीलांसिंग को लेके किसी हवाले से भी आप मुझे मैसेज पे बताएं एंड आई विल लेट यू नो हाउ दिस इज वर्क चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें अल्लाह हाफिज बाय बाय